नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ताज़ा मौसम जानने के लिए रोजाना हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से हो, ताकि आने वाली खबरों में हम आपके ज़िले के ताज़ा मौसम के बारे में बता सकें। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि आने वाले दो दिन के अंदर जो उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में जो बारिश हो सकती है, और आपको बताएंगे ये भी बताएंगे कि कौन से ज़िले में जो ओलावृष्टि हो सकती है, और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कौन से ज़िले में जो सबसे ज़्यादा तेज़ सर्दी पड़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल बनता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले हरदोई ज़िले की। दोस्तों आपको बता दें कि हरदोई ज़िले में जो आने वाले अगले दो दिन ऐसे रहने वाले हैं जहां पर जो कुछ इलाकों में जो हल्की फुल्की है जो बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर जो सुबह और शाम के समय में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की ठंडी हवाएं चल सकती हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से ये सर्दी बढ़ जाएगी। खास करके दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस के कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की सुबह और शाम के समय में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रयागराज ज़िले की। दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में भी इस समय कुछ इलाकों में हल्की फुल्की सर्दी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो अच्छी खासी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगले दो दिन के अंदर जो कुछ इलाकों में जो हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी हो सकती है, और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर भी एक बार फिर से तेज सर्दी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज के कुछ इलाके ऐसे रहने वाले यानी ग्रामीण इलाके कुछ ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर सुबह और शाम के समय में घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाके हैं जो कि आपको बता दिए तेज़ हवाएं भी है जो हल्की फुल्की चल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हापुड़ ज़िले की। दोस्तों आपको बता दें कि हापुड़ में भी जो इस समय जो आने वाले 72 घंटों के अंदर है जो कि आपको बता दें कि कुछ इलाकों में जो तेज़ हवाएँ चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तेज़ हवाओं के साथ शाम के 4 से 5 बजे के बीच शीतलहर चल सकती हैं, और आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे रहने वाले हैं जहां पर आने वाले 48 घंटों के अंदर यहां पर भी थोड़ी बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर हापुड़ के कुछ इलाकों में एक बार फिर से सर्दी तेज़ हो जाएगी। वहीं दोस्तों बात करें आपको बता दें कि हापुड़ के कुछ ग्रामीण इलाकों की, तो आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम आपको घना कोहरा बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमीरपुर ज़िला की। दोस्तों आपको बता दें कि हमीरपुर में हालांकि आपको बता दिए दो दिन से कुछ इलाकों में हल्की फुल्की लोगों को सर्दी से राहत मिली है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर एक बार फिर से सर्दी बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से मौसम पलटवार कर सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हमीरपुर के कुछ इलाके ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर आपको बता दें कि सुबह और शाम के समय में घना कोहरा छाया रहेगा, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हमीरपुर के कुछ इलाके ऐसे रहने वाले हैं जहां पर दिन के समय में कुछ शहरी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उरोई ज़िले की। दोस्तों आपको बता दें कि उरोई और जालौन ज़िले में आपको बता दें कि कुछ इलाकों में आने वाले 2 या 3 दिन ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर रातें एक बार फिर से सर्द हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जालौन और उरोई ज़िले में आपको बता दें कि आने वाले 2 दिन के अंदर और तेज़ सर्दी की वजह से एक बार फिर से रातें और तेज़ सर्द हो जाएगी, और आपको बता दें कि सुबह और शाम के समय में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जालौन और उरोई के कुछ इलाकों में आपको बता दें कि दिन के समय में हल्की फुल्की कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, और इसी के साथ एक बार फिर से सर्दी तेज़ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गाज़ियाबाद ज़िले की। दोस्तों आपको बता दें कि गाज़ियाबाद में सुबह और शाम के समय में घनी ओस छाई हुई है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर खास करके आपको सुबह और शाम के समय में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भी आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर मौसम विभाग की तरफ से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है।
दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है और इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह और शाम के समय में और तेज़ सर्दी पड़ सकती है। और आपको बता दें कि सुबह के समय में आपको और भी तेज़ कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहने वाले हैं जहाँ पर दिन के समय में कुछ इलाकों में घने बादल मंडराए रहेंगे, लेकिन दोस्तों हालांकि आपको बता दें कि वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाकों में सुबह के 4 से 5 बजे के बीच कुछ इलाकों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जिला की। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भी आपको बता दें, हालांकि आपको बता दें कि लोगों को थोड़ी बहुत 2 या 3 दिन पहले सर्दी से राहत मिली, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भी एक बार फिर से मौसम बिगड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही कि नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जिला में भी आपको एक बार फिर से तेज़ सर्दी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर भी एक बार फिर से सर्दी बढ़ सकती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले 2 या 3 दिन के और भी अंदर रातें एक भी बार फिर से सर्दी सर्द हो सकती हैं और टेम्परेचर एक बार फिर से बिगड़ सकता है। और आपको बता दें कि लोगों को तेज़ सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिरोज़ाबाद जिला की। दोस्तों आपको बता दें कि फिरोज़ाबाद ज़िले में भी कुछ इलाकों में घने बादल मंडराए हैं, लेकिन आपको बता दें कि वर्षा उतनी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर लोगों को एक बार फिर से कड़ी सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर एक बार फिर से तेज़ बारिश की वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कुछ इलाके ऐसे भी रहने वाले हैं जहाँ पर ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम के समय में एक बार फिर से तेज़ ठंडी हवाएं चल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गोरखपुर ज़िला की। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर ज़िला में भी एक बार फिर से आपको बता दें कि एक बार फिर से तेज़ सर्दी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के कुछ इलाकों में हालांकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बूंदाबांदी की वजह से एक बार फिर से इलाकों में सर्दी बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहने वाले हैं जहाँ पर सुबह और शाम के समय में घना कोहरा छाया रहेगा और लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर दिन के समय में अच्छी खासी धूप निकलेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रात के समय में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के गोरखपुर के कुछ इलाकों में आपको वहीं दो घने बादल आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर दिन के समय में कुछ इलाकों में छिटपुट वर्षा हो सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके ऐसे भी रहने वाले हैं जहाँ पर आपको सुबह और शाम के समय में घनी ओस मिल सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुछ इलाकों में ग्रामीण इलाकों में बहुत ही ज़्यादा 2 या 3 दिन तेज़ सर्दी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। खास करके दोस्तों आपको बता दें कि सुबह और शाम के समय में आपको बता दें कुछ इलाकों में हल्की फुल्की शीतलहर चल सकती है और लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले की रोज़ाना ताज़ा मौसम की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।